स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल हाउ आर यू वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 बेटा जो एक्सरसाइज 3.5 है ना उसके अंदर भी वही फैक्टर वाली बातें हैं ठीक है ना तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है मैं एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 कोई नंबर किसी नंबर को 3 से डिविजिबल हो रहा है कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9 क्या वो 9 से भी डिविजिबल होगा बिल्कुल गलत है जी अगर कोई नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या वो जरूरी है वो 9 से मल्टीप्लाई हो नहीं होगा जी 3 वाले के अंदर हम सभी नंबरों का सम करके डिवाइड करते हैं 9 में बिल्कुल अपोजिट केस है राइट हाँ लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है रॉन्ग है फॉल्स मैं फॉल्स को एफ से डिनोट कर रही हूँ हाँ अगर 9 से कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है ये बात बिल्कुल सही है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ये कहता है कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 क्या जरूरी है वो 3 से भी डिविजिबल हो बिल्कुल सही है जी 9 वाला 3 से डिविजिबल हो सकता है थर्ड स्टेटमेंट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 कोई नंबर 18 से डिविजिबल हो रहा है इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6 क्या कोई नंबर 18 जो है 18 से डिविजिबल हो रहा है कोई भी नंबर तो क्या वो नंबर 3 और 6 से डिविजिबल होगा नहीं होगा वो नंबर 3 और 6 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है फॉल्स डिविजिबल बाई रूल जो है सारे रूल एक एक करके अच्छे से आपको समझा दिए हैं एक बार प्लीज उनको दोबारा से रिवाइज कर लेना फोर्थ है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 19 कोई नंबर है वो 9 से और 10 से डिविजिबल हो रहा है वो नंबर जो है 19 से डिविजिबल होगा 9 और 10 से जो नंबर डिविजिबल हो रहा है वो 19 से डिविजिबल होगा तो ये सारी स्टेटमेंट एक बार आप कवर कर लेना कोई भी स्टेटमेंट अलग नहीं है लास्ट वाली स्टेटमेंट है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल द सम ऑफ टू नंबर्स कोई नंबर है वो डिवाइड हो रहा है सम ऑफ टू नंबर्स से किसी का सम करे और उसके सम से वो नंबर डिविजिबल हो रहा है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड ऑफ टू नंबर सेपरेट उनको सेपरेट कर दे तो क्या उससे डिविजिबल होगा बेटा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है मान लीजिए कोई नंबर है कोई भी नंबर ले लीजिएगा वो आपसे वो आपका 5 + 9 14 से डिविजिबल हो रहा है ठीक है ना तो जरूरी तो नहीं है ना वो 14 से कोई नंबर मान लीजिए 17 डिविजिबल हो रहा है तो ये इन दोनों से भी डिविजिबल हो क्या होगा इन दोनों से डिविजिबल नहीं होगा भैया 14 से तो डिविजिबल हो रहा है इनके सम से तो लेकिन इसको सेपरेट करने के बाद ही डिविजिबल ना भी हो तो ये जरूरी नहीं तो ये स्टेटमेंट आपकी लास्ट वाली क्या है रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 6 ट्री आपके पास 6 ट्री की 2 डिफरेंट ट्रीज बनाई हुई है इसने उसके बाद कहता है राइट द मिसिंग नंबर उसके अंदर कोई मिसिंग नंबर है कोई नंबर उसके अंदर मिस हो रखे हैं उनको आपको लिखना है तो इसने एक ट्री बनाई है 6 ट्री के फैक्टर्स की वो कैसे बनाई हो देखो सेकेंड क्वेश्चन में 6 3 6 10 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे 5 उसके बाद 6 3 30 यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे 10 यहाँ कुछ भी नहीं है अब इसने एक 60 के फैक्टर इधर बना दिए और एक इधर बिल्कुल डेफिनेट है बिल्कुल अलग अलग है अपोजिट है ठीक है ना तो देखो 60 अब इनकी मल्टीप्लाई जो है ना वो इसके जो यहाँ पे ली हुई है वो आनी चाहिए तो 6 × 10 60 हो गया बिल्कुल हो गया यहाँ तो आप क्लियर हो चुके हैं लेकिन उसके बाद नीचे जाते हैं 60 इसने दो पार्ट कर दिए 6 को इसने दो पार्ट में सेपरेट कर दिया एक तो 2 लिख दिया दूसरा क्या आएगा 2 के अंदर किसको मल्टीप्लाई कराएंगे वो 6 आ जाए तो बेटा 2 के अंदर आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा
3, 2, 3 जा 6, देखो ये इससे कनेक्ट है ना, 2 और 3 6 से कनेक्ट है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए, तो इसने 2 को दे दिया था, लेकिन 2 को किससे मल्टीप्लाई कराए कि वो 6 आए। उसके बाद 10 जो है ना, 10 के अंदर से 2 आपकी टहनियाँ निकल के आ रही है, ट्री है ना, 2 टहनियाँ निकल के आ रही है, एक तो 5 है, दूसरा 5 को किससे मल्टीप्लाई कराए कि वो 10 आ जाए, तो 5 को किससे कराए, ये वाला रूट कंप्लीट। अब इन सभी को एक बार लास्ट वाली जो है ना, इनको सबको मल्टीप्लाई करके देखो क्या 16 आता है, 2 3 जा 6, 6 6 5 जा 30, 32 जा 60, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप ऊपर नीचे नहीं कराना, सबसे लास्ट वालों की कराना है। उसके बाद इधर देखो 60 के अंदर दो पार्ट सेपरेट हो गए, एक तो 30 ले लिया, दूसरा नहीं लिया, तो बेटा दूसरा क्या लेगी, 30 के अंदर क्या मल्टीप्लाई कराए कि 60 आ जाए, तो 32 जा 60, तो यहाँ पे अब 30 को भी इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 30 को भी इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो 10 ले लिया, दूसरा 10 को किससे मल्टीप्लाई कराए कि 30 आ जाए यहाँ पे, तो 10 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करा दो। अब यहाँ पे 10 है ये, अब 10 के अंदर दो पार्ट है, दो पार्ट सेपरेट करें, दो नंबर होने चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई आपकी 10 आनी चाहिए, तो बेटे 10 की दो नंबरों की मल्टीप्लाई किससे आएगी, 2 5 जा 10, ठीक है। अब इधर जो भी लास्ट वाले हैं ना, इनकी मल्टीप्लाई 60 आनी चाहिए, बिल्कुल वही आ रही है 60, तो इसने कहा है कि ट्री बनाई हुई है 60 के फैक्टर्स की, जो मिसिंग नंबर है उनको आपको लिखना है, तो बेटा जहाँ जहाँ जो भी मिसिंग नंबर है वो आप लिखते जाइए। 60 के उसने दो पार्ट किए 6 और 10, ठीक है, 6 के उसने दो पार्ट कर दिए, एक दे दिया एक नहीं दिया, दूसरा आपको चूज करना पड़ेगा भाई क्या किसमें क्या मल्टीप्लाई कराएं। उसके बाद 10 के दो पार्ट दे दिए, इसी तरह से इधर इसने 60 के दो पार्ट कर दिए, यहाँ पे 2 आ गया, 2 के 2 को किससे मल्टीप्लाई कराए, छोड़ दिया इसने, लास्ट में 30 के इसने पार्ट बना दिए। तो इसका सेकंड जो भी है वो आप खुद से करिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने दोनों ही करा दिए हैं, सेकंड के दो पार्ट थे, फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने दोनों करा दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ये कहता है कि एक ऐसा फैक्टर बताइए जो इंक्लूड ना हो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर और उसके अंदर कंपोजिट नंबर के अंदर, ठीक है ना, तो वो इंक्लूड ना हो, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो 1 एक ऐसा नंबर है, एक तो 1 सभी का फैक्टर बनेगा, एक तो 1, दूसरा क्या इटसेल्फ, वो खुद वो नंबर, एक तो 1 सभी का फैक्टर होता है और एक इटसेल्फ होता है, ये इंक्लूड नहीं होते किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन और कंपोजिट में, ठीक है ना, तो ये दो फैक्टर तो हर नंबर के बनेंगे, एक तो 1 दूसरा वो नंबर खुद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो इसने कहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, अब आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट जो 4 डिजिट है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कौन सा नंबर होता है। अब इसके आपको ट्री वाले फैक्टराइजेशन बनाने हैं, ठीक है ना, एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने हैं इसके, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे ऊपर लिखे 9999, आप इसके फैक्टर बनाने हैं आपको, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ तो लिख दो 3, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 9 9 और 9 आ जाए, तो बेटा इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 9 9 9 ही आएगा ना सभी का, ठीक है। उसके बाद इसके तो आप और कोई होगे नहीं, प्राइम का मतलब होता है आगे कोई और फैक्टर ना हो उसके, तो बेटा क्या 3 के फैक्टर होंगे, तो प्राइम नंबर आ गया ना भाई, ये तो प्राइम नंबर आ गया ना, प्राइम नंबर निकालना है आपको, यहाँ तो प्राइम नंबर आ गए ना, अब आपको इधर और प्राइम नंबर लेके आने हैं, तो आप इसको क्या कर दें, इसके दो पार्ट में डिवाइड कर देते, एक तो 3 दूसरा 1 1 1 1, ये भी प्राइम नंबर आ गया।
अब क्या 111 जो है उसके अंदर किससे मल्टीप्लाई करा दे, तो आपको इसको है ना डिवाइड करके देख लो, एक बार इसके फैक्टर बना के देख लो इस तरह से, किससे बनते हैं किससे नहीं बनते। तो यहाँ आपके 101 11 से राइट, तो ये आपका प्राइम फैक्टर बनेंगे। अब इसके भी फैक्टर नहीं बन सकते, और इसके भी इसके भी इसके भी, ये प्राइम नंबर आ गए अब सभी। इसने कहा था कि 4 डिजिट कोई नंबर है आपका, ग्रेटेस्ट नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे। तो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन बना दी मैंने, 3 प्राइम आ गए ये 3, अब इसके कोई फैक्टर और नहीं हो सकते, ठीक है। इधर इनके कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते, ये सभी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो सके, वहां तक आपको पहुंच रहा है। देखो 60 के 2 3 5 2 बने, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं, लेकिन जो मेथड है आपके मैथ में वो इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट का बोला था 999, मैंने करके दिखा दिया है। स्मॉलेस्ट का इसने दिया है 5 डिजिट का, मैंने बता दिया इसके करने आपको खुद से, ठीक है। एच डब्ल्यू है डू एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। बेटा अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया करो, आप ये सोचो कि प्रैक्टिस हम करें नहीं, आराम से बैठे रहें, जो मैडम देव मटेरियल वो नोटबुक में उतारे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो मैथ नहीं आएगा। हिंदी तो है नहीं ये कि आपने बस याद करना है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है मैथमेटिक्स में, राइट। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना अपने क्वेश्चंस की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करके देखोगे बिल्कुल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।